हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, ये देखो विप्रो का प्रिज्मा टॉर्च और ये देखो विप्रो का एमरल्ड टॉर्च। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ये टॉर्च हैं, लगभग सेम ही हैं। और इस वीडियो में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो ये कि इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, क्योंकि इन दोनों के लिए मुझे करीब 1 से 1.5 साल के बीच में हो गया है। तो मैं दोनों का कंडीशन आपको बताता हूँ अभी क्या है, और दोनों में से ये बताता हूँ कि कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, और दोनों के मतलब प्राइस के हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा ये मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो ये विप्रो प्रिज्मा है ये अराउंड 500 के आसपास का टॉर्च है, और ये जो विप्रो एमराल्ड है ये अराउंड 800 से 850 के आसपास का टॉर्च है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का प्राइस डिफरेंस आप देख ही सकते हो। ठीक है, ओके, अब आगे बात करते हैं कि इन दोनों में बेटर कौन सा है। तो देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फीचर है, जैसे देखो यहाँ पे ये ऐसे खुल जाता है, यहाँ से भी खुल जाता है, ये देखो ऐसे खुल जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये यहाँ से, एक सेकंड में इसको एक हाथ से वीडियो बना, ये देखो ये यहाँ से ऐसे भी रोटेट होता है। तो ये इसका दो फीचर है। अब देखो ये हाथ छू देने से इसका वो मिट गया जो मैंने लिखा था। तो ये रहा आपका प्रिज्मा, जो मैंने इसकी खूबी बता दी आपको। ये चीज़ इसमें थोड़ी सी यूनिक है, जो इसमें आपको मिलेगी नहीं। इसमें बस आपको टू वे कंट्रोल मिलेगा, एक तो डिम लाइट और एक ज़्यादा लाइट। ठीक है, जब भी आप उसको चलाओगे तो ये है, दोनों में बैटरी लगे हुए हैं और दोनों रिचार्जेबल हैं, दोनों चार्ज होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इसको आप निकालोगे तो ये सॉकेट में लग जाएंगे और चार्ज हो जाएंगे। सेम इसमें भी यही चीज़ थी, लेकिन इसमें अभी देखो ये वाला चीज़ टूट गया है यहाँ से। तो यही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 1.5 साल के बाद इनकी स्थिति क्या होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये जो है टॉर्च, ये एक बार आप चार्ज कर दोगे इसको, एक दिन चार्ज करोगे तो इसका बैकअप मुझे लगता है 1-2 दिन देगा। मतलब ज़्यादा बैकअप नहीं है इसका, इसका बहुत खतरनाक बैकअप। अगर आपने इसको एक दिन चार्ज कर दिया तो 7-8 दिन आप आराम से चला सकते हैं। जैसे मेरे घर वहाँ एक गाँव है, वहाँ पर खेतों तो में जाने के लिए ये बेटर है टॉर्च। तो एक बार चार्ज कर लो, आप इलेक्ट्रिसिटी का भी वहाँ इशू है तो फिर हमें इसको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसा आपका यूसेज है उसके हिसाब से। ठीक है, अब रहा सवाल कि इसका ये यहाँ पर टूट गया। तो देखो दोस्तों, ये डिज़ाइन फ्लो है थोड़ा सा, देखो इतना अच्छा टॉर्च है, सारी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। देखो हैंडल वैंडल भी सब बढ़िया है, और ये इधर ये भी बढ़िया है। ये देखो इसका शीशा थोड़ा सा फूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है वो, अभी भी काम चलता है। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब सारी चीज़ें ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी है, विप्रो कंपनी का प्रोडक्ट है, तो ये वाली चीज़ इनको ठीक करनी चाहिए, जो कि थोड़ी ड्यूरेबल बनानी चाहिए। क्योंकि जब भी आप इसको ऐसे करके वॉल में या कहीं पर भी चार्ज लगाते हो तो इसको गिरने के और टूटने के चांसेस रहते हैं। तो वही हाल हुआ इसके साथ, इसको मैं बनवाऊंगा, अभी ठीक करवाऊंगा, लेकिन यह स्थिति है। ये देखो अभी सही चल रहा है, लेकिन दोनों में एक यही है कि ये कम बैकअप देता है और ये ज़्यादा बैकअप देता है। और इसमें बस ये है कि ये आपको बस जलाने का काम आएगा, जो यहाँ से टॉर्च चलती है, एक एक लाइट है इसके अंदर, एक एक एलईडी बल्ब है, जो कि काफ़ी अच्छा फोकस इसका, काफ़ी दूर रेंज काफ़ी ज़्यादा है इसका, इसके कंपेरिजन में। ठीक है, और इसमें यह है कि ठीक है, ये नॉर्मल यूसेज के लिए ठीक है। अगर आपका घर मतलब ठीक ठीक है, मतलब ज़्यादा गांव में नहीं है और ज़्यादा आपको यूसेज नहीं करना है इसका, ये हैवी ड्यूटी है और ये थोड़ा सा मीडियम यूसेज के लिए है। लेकिन इसमें यह है कि आपको मल्टीपर्पज़ मिल जाता है, यहाँ से भी मिल जाता है और इसको रोटेट करने का भी मिल जाता है, तो काफ़ी यूजफुल हो जाता है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। तो और इसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको देखो कम पैसे में अगर आपको घर के यूसेज के लिए कुछ चाहिए तो आप ये खरीद सकते हो। आपको चाहिए कि नहीं भाई, मैं तो एक बार खरीद लेना चाहता हूँ कि जिसकी बैटरी 7-8 दिन तक लंबी बैकअप चले, और मान लो आपको यहाँ से देखना है आपके खेत में क्या हो रहा है वहाँ दूर तक, तो वो आप देखना है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इस चीज़ को अच्छे से चलाना, वरना 1-1.5 साल में ये आपका धोखा दे सकता है, जैसे मेरे केस में दिया। लेकिन वो तो हैंडलिंग पर अगर आप अच्छे से संभाल कर रखोगे तो आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों ये दोनों टॉर्च का रिव्यू, और चलता काफ़ी अच्छा, दोनों टॉर्च बेहतरीन है। काफ़ी 1.5 साल 2 साल मैंने, देखो अब 1.5 साल तो मेरा हो गया है, मैंने दोनों के लिए, इनका दोनों का अनबॉक्सिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो इनके ज़्यादा फीचर्स वगैरह के बारे में। दोनों में वो लग रखा है, चार्जिंग इंडिकेटर लग रखा है, इसमें छोटा सा हल्का सा एलईडी बल्ब है, अच्छे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको चार्जिंग के लिए। और इसमें बड़ा सा बल्ब है चार्जिंग इंडिकेटर, यहाँ देखो। तो ये जब जब चार्ज होगा तब ग्रीन रहेगा, और जब चार्ज फुल सॉरी जब चार्ज होते रहेगा तो रेड टाइप का रहेगा, और जब फुल चार्ज होगा तो ग्रीन हो जाएगा। और इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत चार्ज लेता है, 1-2 दिन तक चार्ज होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का रिव्यू। आप अपने हिसाब से दोनों टॉर्च में से कोई खरीद सकते हो। मैं दोनों का लिंक दे दूंगा और अनबॉक्सिंग का भी लिंक नीचे दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।